अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से। तो ये जो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ अपने एयरपोर्ट से, तो आपने मुझे कमेंट में लाजम बताना है कि इससे ज़्यादा बेटर आवाज़ है या पहले ज़्यादा बेहतर आवाज़ थी। तो अभी बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। इससे पहले आपने लास्ट व्लॉग में देखा तो वो देख लो, उसके बाद अभी तक मेरा चार्जर नहीं ठीक हुआ, तो ये भी न्यू लेंगे। बारिश रुक रहा है तो लेने चलते हैं। तो मैंने इस पर ढक्कन लगा दिया, फिलहाल न्यू लेंगे। मुझे तो लगता है मेरी बारिश की बैटरी भी खराब हो गई, तो फिर बारिश रुकने का इंतज़ार है, फिर चलेंगे। और शहर में काफ़ी पानी इकट्ठा हो चुका है, देखते हैं अभी बारिश रुकने का आपसे। तो मौसम इतना प्यारा हो रहा है कि मज़ा काफ़ी आ रहा है, फुल इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं समोसे लेने के लिए, तो ठंडे मौसम में समोसे तो चलते हैं ना, चलते हैं। बारिश के बाद आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा मौसम हो गया है कि बाहर फिरने में भी मज़ा आता है। तो आपको नज़र आता हूँ, जूम मारता हूँ, तो देख सकते हो आप आसमान की तरफ कि कितना प्यारा मौसम है। काफी वेखी काका एक हाथ से गाड़ी बंद होगी। स्टार्ट करते हैं जी। समोसों वाली शॉप पर पहुंच चुके हैं, तो फिलहाल लेते हैं समोसे सारों के लिए, तो चलते हैं समोसे लेके। समोसे हमने ले लिए हैं, सो अब चलते हैं वापसी। ना आप रेल बाज़ार में पानी देखते हो कि शुरू से आगे कम हो गया। अगर आप पीछे से देखो तो मैं 5-5, 6-6 फुट पानी है, तो देख सकते हो आप कितना पानी है। तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम गाड़ी घुमाते हैं अपनी वापसी, तो आगे से चलेंगे। तो समोसे लेके पहुँच चुके हैं, अब तो इनको खाते हैं। समोसे वगैरह हम खा चुके हैं और बारिश फिर से स्टार्ट हो गई हल्की हल्की। बारिश इंजॉय कर रहे हैं, तो सारा दिन हमारा बारिश में ही गुजरा है। और मैं केबल भी ले रही है वॉच की, जो पानी खड़ा हुआ है चारों तरफ, तो कल लेंगे। सो अभी छत पर बैठे हुए और फुल इंजॉय कर रहे हैं मौसम को। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मस्त, काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो देख सकते हो आप मेरे पीछे का व्यू, आगे का व्यू, सामने का व्यू, और ये फ्लावर्स पड़े हैं जैसे कि आपको दिखाया हुआ है मैंने। तो आज यकम हो गई है, यकम मुहर्रम, तो 5 मुहर्रम को हमारे यहाँ नियाज होती है जी। सो मैं दिखाऊंगा आपको, हमारे यहाँ बनती है हलीम की देगें, पतीले नहीं कहूँगा, देगें ही तैयार होती है। मैं आपको बनते हुए भी दिखाऊँगा। और यूँ भी क्या अभी पड़े हैं, सामान वगैरह लेके आ चुके हैं सारा, क्यों फिर पापा जान साथ होते हैं ना, तो व्लॉग में इतना नहीं करता, क्यों अच्छा नहीं लगता पापा जान के साथ भी व्लॉगिंग करना। यूँ मैं अगर अकेला जाता हूँ या शाहजे भाई और के साथ जाता हूँ तब व्लॉगिंग करता हूँ। सो भी काफ़ी मज़ा आ रहा है, चिल कर रहे हैं, फुल माहौल। पीछे ऊपर का सामान देखे हम, और फिर मैं मिलता हूँ अभी। तो हाँ जी, तो काफ़ी फुल इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो मिलते हैं फिर, अगर कहीं जाना हो, क्यों कहीं आई थिंक जाना हो या ना हो, क्यों शहर में काफ़ी पानी इकट्ठा हुआ है, जो इस वजह से हमारा कहीं पर भी जाना नहीं होगा। एक तो पानी काफ़ी ज़्यादा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, तो 4-4 फुट पानी इकट्ठा हो जाता है यूसुफ शाह रोड पर भी, मोबाइल मार्केट के अंदर भी, रेल बाज़ार वगैरह में भी। इसी वजह से फिर मैं नहीं जाता बाहर पानी के अंदर, गाड़ी भी ख़राब होती है, कपड़े भी ख़राब होते हैं। कल आई थिंक करेंगे काम, अभी तो फ़िलहाल छत पे बैठे हुए हैं, फुल इंजॉय कर रहे हैं। तो ये आपने मुझे लाजमी कमेंट करके बताना है कि एयरपोर्ट से आवाज़ ठीक है या पहले ही मेरी आवाज़ ठीक थी। आपका ज़्यादा वो है ना, आप बताना, मुझे तो फाइनली काफ़ी बेहतर लग रही है, आप भी फिर लाजमी बताना। मैं हमारे PTCL में प्रॉब्लम आ चुके हैं, सो जाके उस प्रॉब्लम का मसला सही करवाते हैं।
नेट सारी रात हो गई चला नहीं, इसी वजह से ब्लॉग भी नहीं पोस्ट हो पाया। तो चलते हैं जाके नेट ठीक करवाते हैं। भाई आ चुके हैं, अब इनको लेके चलते हैं जिधर डिवाइस रखी हुई है, सो चेक करवाते हैं क्या मसला आ गया है, जो नहीं चल रहा चेक कर रहे हैं क्या मसला है। पापर वाले बैठे हैं फॉर जॉब पे, इलेक्ट्रिशियन तस्वीर पार्ट वाले। प्रॉब्लम का हल हमारा निकल चुका है। तो प्रॉब्लम का हल ये है कि हमारा जो नेट है वो चल रहा है 10 MB, तो भाई कह रहे हो उसको करवाओ 6 MB, 10 से 6 ज़्यादा है लगे, वो कहते 6 करवाओ ताकि नेट अच्छा चलेगा। उसकी वजह ये है कि इतनी तारें अफोर्ड नहीं करती, चलती नहीं स्पीड से। तो वो 12:36 पे कॉल करके करवा लेंगे काम, तो चलते हैं वापसी। अब हम चलते हैं स्पीकर के बॉक्स लेने के लिए, जैसे कि मैंने दिखाया था ख़राब हो चुके हैं, तो अब न्यू लेने चलते हैं। डब्बे हमने ले लिए हैं तो अब इनको घर लेके चलते हैं। तो फाइनली बॉक्स लेके हम पहुंच चुके हैं, कैमरा भी बड़ा गंदा हो रहा है। तो देख सकते हो ये बॉक्स है, अभी आपको पता नहीं लग रहा होगा, अभी ये मैं निकालता हूँ ब्लेड से, फिर आपको दिखाता हूँ। ब्लेड से निकालते हैं, निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। यूँ अगर आप मुश्किल हो रही है देख सकते हो, आपको कुछ तो समझ लग रही होगी, जब इसमें स्पीकर लगेंगे फिर ज़्यादा समझ आएगी, क्यों एक दो दिन तक इसमें फिट कर देंगे, फाइनली जुमे को फिर आप देखना कि कैसे लगे हैं आपको। सो आपने देख लिए बॉक्स क्यों, मैं अभी इनको खुद फिट करने वाला हूँ, यानी कि स्पीकर इसमें कसने वाला हूँ। तो फिलहाल फाइनली पूरे 3 घंटे बाद मैंने स्पीकर रिवाइंड कर लिए। सो आप देख सकते हो, ये अभी चेक कर रहा था कि मज़ा भी आया जी नहीं, इसको देख सकते हो बहुत प्यारा मेरे से साउंड बना है, क्यों मैंने खुद तैयार किया। मुझे 2 घंटे लग गए, 1.5 कह रहा हूँ सॉरी, पर मैं अभी आपको साउंड सुनाता हूँ, तो आपने बताना है कैसा है, बने हैं मज़ा भी आया है कि नहीं। साउंड आपने मुझे ज़रूर बताना है कैसा लगा है, अभी इतने में चला नहीं रहा तेज़ आवाज़ से, क्यों बोल रहा मैं बस आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा चला दिए। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग को करता हूँ एंड। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर दिया करो, कुछ नहीं घिसता तुम्हारा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, बाय ऐसे।